बेसिकली उनको लग रहा होता है कि बहुत अच्छा हो रहा है ये सब कुछ, बहुत वो स्वैग लग रहा है, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। वो अपने माँ बाप से भी छुप कर रहे होते, इवन दो कि मेरा भी भाई है छोटा, और वो अपने माँ बाप को अपने घर वालों को भी बता के नहीं जाते, और फिर कोई खबर आती है तो हम लोग कितने परेशान हैं। अल्लाह सारे ऐसे वाकयात हुए जिसमें रीढ़ की हड्डी से भी माजूर हो गए नौजवान, कम एज के अंदर वो वन व्हीलिंग करते वो गिरे और बाइक से, और इतना बुरा उनका एक्सीडेंट हुआ है कि वो बेड रिडन हो गए लाइफ टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है, आप आजादी मनाए, आजाद हुए आप, लेकिन आजाद आप खुले मतलब छोड़े नहीं गए, आप आजाद किए गए, कराए गए आजादी आपको। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वो एक जो ये जो बाजे हैं इनको बैन करा दें पाकिस्तान में, तो कराची में कंप्लेंट्स आती हैं और इस पर काम भी हो रहा है। लोकल जो सेलर्स हैं उनको भी खुद अवॉइड करना चाहिए। देखिए एक तो एक तहजीब और डिसिप्लिन की बात है कि हमें इस दिन को बड़े एहतराम के साथ मनाना चाहिए, ना कि हम किसी को तकलीफ का बाइस बने। तो अगर इस तरह की चीजें मार्केट में सेल हो रही तो देखिए लाइक वाइज जो गन कल्चर है, छोटी छोटी बंदूक बच्चों को पानी वाली पिस्टल और इस मौके पर उसमें बाजे और इस तरह की चीजें देना, तो बेचने वालों पर भी उनको खुद सेंस होना चाहिए कि हम ये गलत चीज अपनी नौजवानों को अपनी यूथ को ना बेचें। दूसरा ये कि पुलिस का जहां तक ताल्लुक है तो हमारे पास जो इस तरह की चीजों पर बैन लगा हुआ होता है, एब्सोल्युटली वी टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। नहीं ऐसा ही है, लेकिन चला साहब मेरी बात हुई थी एक दो ये जो बाजे वगैरह सेल करते हैं इनसे, ये कह रहे थे जब कराची के अंदर मोबाइल छीनना बंद हो जाएंगे तब आना। तो मोबाइल छीनने का तो मैं आपको बताती चलूं कि कराची के बारे में पहले कहा जाता था कि जी ये सिक्स नंबर पर है क्राइम के साथ, तो अब वो फिगर आप देख सकते हैं कि वो 46 पे, मतलब बहुत उसका फिगर नीचे चला गया। इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ, डिजिटलाइजेशन, कैमरा सिस्टम, स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए वर्दी आईजीपी सिंह की जानिब से, तो क्राइम में तो बहुत हद तक कमी आई है। एंड इफ यू कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज लाइक इन वेस्टर्न कंट्रीज की भी आप कैपिटल की बात कर लें, आप 9 बजे के बाद वहाँ अपना पासपोर्ट और मोबाइल लेकर नहीं इजीली घूम सकते, हमें एडवाइस किया जाता है अफ्रीका 5 बजे बंद हो जाता है एवरीवेयर, जोहान्सबर्ग वगैरह में नहीं घूम सकते। अगर हम कंपेयर करें विद इन पाकिस्तान तो अदर हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल में ज्यादा क्राइम है एज कम्पेयर टू कराची, बट चूंकि यहाँ मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, अच्छी चीजें नहीं दिखाई जाती। हम अच्छे वाले से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे, दुबई 24 घंटे खुला है, आपके शारजा 24 घंटे खुला है, अच्छे वाले से भी तो कर सकते हैं। क्राइम हर जगह होता है, जहाँ देखिए हमारे डायनामिक्स हम एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, हमारे डायनामिक्स क्वाइट डिफरेंट है, तो हमें अपनी डायनामिक्स को देखते हुए ये चीज करना चाहिए। ये कहना मुनासिब रहेगा कि भाई जो चीज सही कर सकते हो वो तो कर लो, एग्जैक्टली, तो ये जवाब यानी मैं उन्हें दे दूंगा, भाई जो सही हो सकता है वो कर लो, आप ज्यादा जो है वो इसको फैलाएं नहीं, है ना, हम आवाम, हम नहीं, हम अब ये कानून आप कानून वाले हैं, तो हमने सबने फोकस किया हुआ शैला साहब ये शैला साहब बताएं क्या हो रहा है, जबकि हमें फोकस करना चाहिए खुर्रम साहब पे, क्योंकि हमें ये भाई देखें आप इसमें शोर शराबा होता है जश्न आजादी के अंदर एक मेन फैक्टर जिसको हम अभी तक मिस कर रहे हैं और वो है मिली नगमे। आप कितने जबरदस्त तरीके से स्कूल के अंदर अपने मिली नगमे जो है वो पढ़ा करते थे, वहां पर पूरा एक टैबलो हुआ करता था, कोई सर सैयद अहमद खान साहब का गेटअप किए हुए, कोई अलामा का गेटअप किए हुए, कोई कायद का गेटअप किए हुए, तो ये सारे के सारे जो है वो माहौल बनता था और मिली नगमे चल रहे होते थे उस जमाने में, बड़े जबरदस्त आजकल भी आ रहे हैं, हर दौर में आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा जो है वो कम हो गए हैं बनना, उस तरह या एसेंस कम हुआ है, जैसे पहले लिखारी भी बहुत अच्छे थे, लिखने वाले लिरिसिस्ट बहुत अच्छा लिखते, बिल्कुल अभी उस तरह की कोई शायरी भी नहीं, कमर्शियल हो गया है कुछ, बहुत कमर्शियल मुनासिब रहेगा कहना, और मेरा ख्याल है कि वही जो है वो जो गोल्डन नगमे हैं वही चल रहे हैं, वही चांद मेरी जमीन मेरा चमन क्या बात, लेकिन तो है तो बहुत खूबसूरत और कलाम भी बहुत अच्छा है, और जो गायकी तो आज खुर्रम साहब कौन सा मेरी नगमा सुनाएंगे आप बताइए। मैं आपको मेहदी हसन खान साहब ने जो एक गाया था ये वतन तुम्हारा है, मैं पास बा इसके तुम हो पास बा इसके, क्या बात क्या बात सर, नगमा तो मिली नगमा आपका सुनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही जो है हमें एक वक्फा भी लेना होगा, तो नगमे के साथ ही जो है नाज़रीन हम वक्फे की जानिब बढ़ेंगे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा फ़ाइसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा फ़ाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है,
इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं, और आज हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी अपने मेहमानों के साथ। हम आज़ाद हैं, लेकिन हम आज़ाद इसलिए नहीं हैं कि हम हर वो काम कर लें जो हमारा दिल कर रहा है। हम आज़ाद इसलिए हैं कि हमें दूसरों की आज़ादी का भी ख्याल रखना है, साथ साथ अपनी आज़ादी का। यही मकसद था पाकिस्तान बनाने का, कि अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखिए। और इसी अज़म के साथ हम आज अपना 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, जो कि हमारी जानिब से, बोल एंटरटेनमेंट की जानिब से, मेरी जानिब से, अनम की जानिब से, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी जानिब से एक मरतबा फिर आपको मुबारक हो। और अनम, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम गेम खेलेंगे। गेम खेलेंगे, ओके। तो लाल वाली गोटे मेरी। अच्छा, हमें और हरी, कोई हरी वाली मेरी। और कोई गेम खेल, फिर छह लोग हो गए। ऐसा करते हैं कि बूझो तो जाने, एक गेम खेलते हैं हम, बूझो तो जाने। स्क्रीन के ऊपर आपको एक तस्वीर नजर आएगी, एक एक करके आपने बताना है कि ये हमारे कौन से कौमी हीरो हैं, ठीक है जी? आप लेडीज फर्स्ट, लेकिन वो बहुत पहले वाले सेगमेंट में हमने कर लिया, अब खुर्रम साहब को थोड़ी माइलेज देते हैं, पहले गैस आप करेंगे, ठीक है? देखिए मैंने आपकी तरफदारी की है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई गैस होगा। हम इस वक्त सफेद वाली साइड पे, ठंडे की माइनॉरिटी में, ठीक। तो पहली जो तस्वीर आ रही है, जरा गैस करें कौन? मुझे तो पहले ही नजर भी कम आता है, और ये तो बिल्कुल ही आंखें नजर आ रही है, आंखों से तो गैस करना है। अच्छा, कोई और गैस कर सके तो? कोई भी गैस कर, बहुत करीब है। दूसरी तस्वीर शैला साहिबा आपके लिए, अरे वाह क्या बात है जी, बेहतरीन बेहतरीन। अलामा इकबाल, शायर मशरिक। ईमान, ईमान, ईमान। अच्छा, कोशिश होगी अकॉर्डिंगली चलना है, हम देखें ये लॉजिकली, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि अब नंबर किसका आने वाला है। नहीं, आप गलत जगह चली गई ना, अब पाकिस्तान आजाद हो चुका है। लियाकत अली खान साहब। चलिए सर, मैंने पहले नहीं बताया था, अभी बता दिया। ये आपने कवर फायर कर दिया, आप नाम भी नहीं, हम डायरेक्ट पूछे, हम बताओ मैं तो बता देंगे, मैंने नजर नहीं आ रहा। अच्छा चले, आप ऐसा कर लेते हैं कि ओपन फॉर ऑल, जिसे समझ में आ रहा है वो बता दे क्या है, ठीक है? लेकिन पहले आपने बता दें फातिमा जिना। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत ही जल्दी कैसे लगी आपने, बड़े जबरदस्त। चलें जी, नेक्स्ट कराते हैं जल्दी से, आप कोई भी बता सकता है जी। अगली फोटो, क्या बात है, सिंध की बेटी जो है वो फौरन जो है वो बोली, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से जो है वो गैस कर लिया, जबरदस्त बेहतरीन गैस हो गई थी। सारी तस्वीरें गैस हो गई हैं आप लोगों की, एक एक्स्ट्रा भी हो गई, और शैला साहब जो है वो लीड कर रही हैं। ये राउंड सैंडविच के लिए था, आप लोगों को पता है आप लोग लूज कर गए सैंडविच, शैला साहब जीत गई। इट्स ओके, शी इज अ वुमन, वुमन आर विनिंग, सही है, मैं खुश हूं। अच्छा, आप इसलिए खुश हैं, कोई नहीं, अगला राउंड आप लोगों के लिए। माइनॉरिटी में हैं हम, पहले माइनॉरिटी में, हम पहले माइनॉरिटी में, हम तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, इसलिए आप देखें सैंडविचेस को हमने माइनॉरिटी में नहीं रखा, तीन है, एक ही जीती है, दो बाकी हैं। अच्छा, बाकी है। हाँ, तो अब रैपिड फायर के लिए तैयार हैं। आनंद किससे पूछने वाली हैं आप रैपिड फायर? मैं जाती हूँ शैला साहब की तरफ, खुर्रम की तरफ। वो तो वैसे ही जीती हुई है, इसीलिए ना उनकी टीम, उनकी टीम पे हूँ मैं। ओके चलो ठीक है, आप लोगों के ऊपर एक साथ जो है वो दबाव पड़ेगा कि आप लोगों ने कितने पॉइंट्स बनाने। ओके चले ठीक है, शैला साहब पहले आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। पाकिस्तान के पहले वजीर खारिजा का क्या नाम? जफरुल्ला। और पाकिस्तान का कौन सा सूबा जो सबसे ज्यादा कुदरती वसाइल रखता है? बलूचिस्तान। वाह।
पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा? हॉकी। शैला साहब विन कर रही है, उधर आ जाए, आप भी दे दीजिए, उधर आ जाए, उधर आ जाए, मैं बता रहा हूँ आप गलत जगह है, यहाँ तो सही जवाब आ रहा है, उधर आ जाए, मैं यही कह रहा हूँ, उधर अभी पता चल जाएगा बताएंगे नहीं बताए, आएंगे जरा खुर्रम साहब की तरफ। हम बात करेंगे खुर्रम, पाकिस्तान एटमी मुल्क कब बना? 28 मई 1998। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम नवाज शरीफ साहब थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो भी इस दिन का नाम तजवीज करेगा तो उसको 1,00,000 रुपए इनाम दिया जाएगा इन 1998। थैंक ओवर दैट, वो कितना मतलब 1,00,000 रुपए। मैं उस वक्त क्लास 8 की स्टूडेंट थी, और जब मुझे ये पता चला कि जी कॉम्पिटिशन है, आई रोट द नेम, तो मैंने योम तकबीर नाम तजवीज किया था, और मुझे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक लेटर आया था। अरे जी, उस क्या बात है, बेहतरीन कि आपने ये नाम लिखा। वो कुरानदाजी हुई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने, कोई 1,000 के करीब लोग थे, उस पर कुरानदाजी का पूरा ऑनलाइन पीटीवी पे प्रोग्राम आ रहा था, और उसमें से कुरान निकला था, तो उसमें जितने वहाँ 100 लोग थे उनका नाम निकला, तो उन लोगों को 1,00,000 रुपए मिले। मुझे वो तो नहीं मिला, लेकिन मैंने चूंकि नाम लिखकर भेजा था, वही नाम पाकिस्तान के लिए तजवीज भी हुआ बाद में। उस दिन का नाम 28 मई 1998 यौम तकदीर के नाम से मंसूब किया गया, तो मुझे उनका एप्रिसिएशन लेटर आया था। तो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, प्राइम मिनिस्टर की बात है, एक लेटर है। ये वो दिन है जिसको रोकने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई थी पीछे हमारे, कि ना करो, हर साल याद रहता है, ना हो क्योंकि हमारे फखर का दिन है। अब हमें भी याद रहेगा ये आपसे मंसूब हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।